दिनों भारत और श्रीलंका के बीच तनाव बढ़ गया है। वजह है महासागर में पानी के नीचे मौजूद अफानसी निकिटीन सीमाउंट। भारत इस पहाड़ पर उत्खनन का अधिकार हासिल करना चाहता था, लेकिन अभी तक भारत को कोई भी सफलता नहीं मिली है। बता दें कि जमैका स्थित इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समुद्री इलाके पर एक और देश ने अपना दावा किया है। इस पहाड़ को हासिल करने के लिए भारत ने $5 लाख फीसद के तौर पर खर्च भी किए थे। दरअसल इस पहाड़ को लेकर भारत को श्रीलंका से नहीं बल्कि चीन से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन की नजर भी इस पहाड़ पर टिकी हुई है और बस श्रीलंका की मदद से इसे पाना चाहता है। बता दें कि यह पहाड़ मध्य हिंद महासागर में श्रीलंका के नीचे मालदीव के पूर्व में है और भारत ने इसकी दूरी 350 किलोमीटर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भारी मात्रा में कोबाल्ट मिलने की उम्मीद है। गौर करने वाली बात है कि कोबाल्ट दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। इसका उपयोग मोबाइल से लेकर ईवी तक में होता है। इससे कई हथियार भी बनाए जाते हैं। इस वजह से 15 साल के लिए भारत इस इलाके का सर्वेक्षण करना चाहता है और इसी के तहत भारत ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मंजूरी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।